नमस्कार, दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा दिव्य परिवार सुरक्षित है, सकारात्मक है, इसी शुभकामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो का। आप सभी को पता है कि सावन शुक्ल पूर्णिमा को हम पूरा हिंदू सनातन धर्म रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में मनाता है। यह त्यौहार देश की कई संस्कृतियों में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि भाई बहनों के बीच कर्तव्य और प्रेम की अवधारणा सार्वभौमिक है। त्यौहार के दिन सुबह भाई बहन अपने परिवार के साथ इकट्ठे होते हैं। बहनें सुरक्षा के प्रतीक एक सुरक्षित धागा भाई को बांधते हैं। इसके साथ साथ राखी का उपयोग पड़ोसियों और दोस्तों के बीच के आपसी रिश्तों को दोस्ती में और भाईचारे में रक्षा सूत्र में बांधने के लिए भी किया जाता है। लेकिन श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ खास कुछ विशेष है। उसकी हम पूरी जानकारी तथा श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, ये पूर्णिमा ये त्यौहार हमारे पौराणिक और सांस्कृतिक तरीके से किस तरह से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसकी एक एक कहानी और डिटेल्स आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि ये पूर्णिमा के दिन भद्रा भी आ रही है, तो ये भद्रा कौन है और भद्रा की जो समय है उसमें राखी क्यों नहीं बांधी जाती, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। वैसे आने वाली श्रावण शुक्ल पूर्णिमा कुछ खास कुछ विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, श्रवण नक्षत्र और शोभन योग का शुभ संयोग हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि शोभन योग में यदि हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो उनका महत्व कुछ विशेष बढ़ जाता है और उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए ये श्रावण पूर्णिमा न केवल ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन ये गायत्री जयंती, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को हयग्रीव जयंती, नारियल पूर्णिमा, संस्कृत दिवस, ऋग्वेद और यजुर्वेद के हिसाब से जनु उपक्रम दिवस आदि के रूप में मनाया जाता है। अतः पूरे हिंदू सनातन धर्म में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का त्यौहार न केवल रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन कई सांस्कृतिक त्यौहारों के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस बार ये त्यौहार में भी भद्रा का छाया रहने वाला है। भद्रा कौन थी इसके बारे में हम ये वीडियो में आपको जानकारी देते हैं, लेकिन भद्रा का छाया केवल उस दिन 1:45 तक रहेगा। बाद में आप सभी बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। वैसे भद्रा कौन थी इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। भद्रा ये सूर्यदेव की बेटी शनि, यम और यमुना की बहन थी, जो अत्यंत उद्दंड स्वभाव की और प्रचुर शक्तिशाली होने के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में विचरित करने वाली उसकी प्रकृति थी, जिससे त्रस्त होकर एक बार भगवान सूर्यदेव ने उन्हें ब्रह्मदेव के पास भेजा और ब्रह्मदेव से कहा कि उनकी जो शक्ति है उसको आप अच्छी तरह से किसी एक रूप में बांध दीजिए, ये यदि पूरे ब्रह्मांड में विचरण करेगी तो ब्रह्मांड में त्रस्त नष्ट हो जाएगा। जिससे प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी सारी शक्तियों को मैं आज से ग्रसित करता हूँ और एक स्पेशल समय के लिए ही उसे मैं छोड़ूंगा, जिसमें यदि मैं तुम्हें उस शक्तियों को स्वर्गलोक में छोड़ूंगा तो स्वर्ग की भद्रा, पृथ्वी लोक में छोड़ूंगा तो पृथ्वी की भद्रा और पाताल लोक में छोड़ूंगा तो पाताल की भद्रा के रूप में रहेगी। उस भद्रा के समय के पर्टिकुलर समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, इसीलिए जब भी रक्षाबंधन होती है या होली का त्यौहार होता है तब भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि उस भद्रा के समय में यदि कोई पवित्र कार्य होता है तो उसे अशुभ माना गया है।
स्पेशली रावण की बहन सुपर्णखा ने भद्रा के समय ही रावण को राखी बांधी थी, इसीलिए ही उसका वध हुआ था, ऐसा रामायण में भी लिखा गया है। अतः भद्रा के समय को छोड़ के हम किसी भी समय अपने बहन को, भाई को, अपने जो हितेच्छु लोग हैं उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो ये है भद्रा की छोटी सी जानकारी। आइए देखते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार, जिसे हम एक तरह से मानसूनी त्यौहार भी बोलते हैं, और ख़ास करके जो दरिया के संबंधित है, जो मछुआरे लोग हैं, वो उस दिन अपनी होली में नारियल आदि को ग्रहण करके उसकी होली की पूजा करते हैं, अपनी आजीविका का गौरव करते हैं, इसीलिए उसे नारियल पूर्णिमा भी कहा गया है। वैसे रक्षाबंधन शब्द का संस्कृत अर्थ है सुरक्षा की गांठ। ये गांठ ये होता है तो छोटा सा धागा, लेकिन इसका महत्व अत्यंत अत्यंत प्रचुर है और बहुत ही उसका महत्व गुढ़ है, जो केवल और केवल हिंदू सनातन धर्म में इस तरह से भाई बहन के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वैसे ये एक त्यौहार हमारे वैदिक काल में और ऐतिहासिक काल से जुड़ा है, उसकी कुछ कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार इंद्र की पत्नी सची ने मनाया था, जो जब इंद्र बलि को मारने के लिए युद्ध में जा रहा था, तब राजा इंद्र को उन्होंने एक रक्षा सूत्र बांधा, जिससे रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने महल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन भगवान की पत्नी देवी लक्ष्मी इस व्यवस्था से सहमत नहीं थी और उसने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया, और इस भाव से प्रभावित होकर राजा बलि ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए लक्ष्मी को भगवान विष्णु से घर वापस आने का अनुरोध किया, और इस तरह से माता लक्ष्मी विष्णु को अपने विष्णु लोक में लाई। एक और कहानी के अनुसार गणेश की बहन देवी मनसा रक्षाबंधन के दिन उन्हें मिलने आती है और कलाई पर राखी बांधती है, जिससे प्रेरित होकर गणेश के बेटे शुभ और लाभ उन्हें रक्षाबंधन का महत्व समझते हैं और खुद को अकेला महसूस करते हैं। तब गणेश को एक बहन देने के लिए राजी करते हैं, जिससे संतोष की माँ की उत्पत्ति होती है, और तब से तीनों भाई बहन हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। अपनी गहरी दोस्ती के लिए मशहूर भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा भी इससे जुड़ी है। खास करके युद्ध के दौरान जब उनकी उंगली कट जाती है, जब वे जयद्रथ का वध करते हैं, तब द्रौपदी अपनी साड़ी के एक छोटे से टुकड़े से उसकी उंगली को बांधते हैं। उससे प्रेमपूर्ण कृत्य से अभिभूत होकर कृष्ण उसकी दयालुता का बदला चुकाते हैं, और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, तब उसे वस्त्र देकर उस द्रौपदी की लाज रखते हैं और अपनी बहन की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा महाकाव्य महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी थी, तथा पांडवों की माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को भी युद्ध के लिए रवाना जब हो रहे थे, तब एक रक्षा सूत्र बांधा था, जिसकी प्रचलित स्टोरी हमें उपलब्ध मिलती है। तो ये जो वैदिक काल की परंपरा आज तक चली आ रही है, इसके बाद जब हम इतिहास में बात करें तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधी थी और अपने देश की सुरक्षा का वचन उनसे लिया था। इस तरह से रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से चारों ओर मनाया जाता है, और ये त्यौहार सालों से भाई बहन की सुरक्षा के हेतु मनाया जाता है। खास करके इस बार ये त्यौहार में जो कुछ शुभ योगों का संयोग हो रहा है, तब रात को चंद्रमा का दर्शन करके उसको मीठे जल से अर्ध अर्पित करें, तथा श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा खास विशेष करें, जिससे कि लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा हम पर बनी रहेगी। इसके उपरांत भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वादा भी इसी समय लेते हैं, अतः बहन को सुंदर रक्षा की एक थाली तैयार करना है, जिसमें रोली, हल्दी, कुमकुम और चावल से तिलक अपने भाई पे लगाएगी, और एक रक्षा कवच अपने भाई की कलाई पे बांध के उसकी सुरक्षा का वादा लेगी।
इसी तरह से सारे गृहस्थी को श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की सुबह पूजा करके शाम को श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करनी है। पीपल के और तुलसी के पेड़ में घी का दीपक जला के भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष कृपा पानी है तथा चंद्रमा की पण भी विशेष कृपा पाके आप इस पूर्णिमा का त्यौहार धूमधाम से मना सकते हैं। सारे गृहस्थी सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना करके शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करके श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह का त्यौहार मना सकते हैं। दोपहर में सारे ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो यज्ञोपवीत बदलते हैं और शाम के समय श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम श्री सूक्त आदि का पाठ करके श्री हरि विष्णु की कृपा पा सकते हैं। इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से बहुत सारी स्टोरी मैंने आपको वैदिक काल की और ऐतिहासिक काल की बताई। मुझे उम्मीद ही नहीं लेकिन पूर्ण विश्वास है कि आप रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मना के श्री हरि विष्णु की तथा भगवान सदाशिव की कृपा पाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।